रिवीजन टेस्ट पेपर कर रहे थे। रिवीजन टेस्ट पेपर में ओल्ड सिलेबस का 2020 के लिए मेन अटेम्प्ट के लिए पार्ट वन, जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस किए थे, 9 क्वेश्चंस, और अब ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ले लेते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्पेशल है देखते हैं। देखा एक्स वाई जेड लिमिटेड सब्सटेंशिएट कैश फ्लो एंड अंटिल द सरप्लस फंड आर यूटिलाइज टू मीट द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइकली टू हैपन आफ्टर सेवरल मंथ्स और पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा, काम की चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा, पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है भाई। कितनी जगह स्टॉक लगाया? बोले 4 जगह, 1 2 3 4। कितने शेयर्स खरीदा है? ये शेयर्स दिया है, उनका बीटा दिया है, उनका मार्केट प्राइस दिया और उनका यील्ड ले रखा, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब कितनी कमाई होगी, डिविडेंड यील्ड, ठीक है। करंट मार्केट का रिटर्न 19%, जिसको हम क्या बोल सकते हैं आरएम, और रिस्क फ्री रिटर्न 11%, जिसको हम क्या बोलते हैं आरएफ। मांगा क्या? कैलकुलेट द रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट। अब भाई बड़ी समस्या है, कैलकुलेट द रिस्क बोला है। सर कैलकुलेट द रिस्क, रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल, पर क्या यहां कहीं भी स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। अच्छा तो अब क्या बीटा ही लेना पड़ेगा? यस। अगर रिस्क की बात करूं तो सर पोर्टफोलियो का मांग रहा है क्या? यस। अगर पोर्टफोलियो का मांग रहा है तो पोर्टफोलियो से बीटा को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज बीटा निकालेंगे, दिस इज बीटा पोर्टफोलियो, काम खत्म हो गया बेटे। वैसे तो ऐसा लग रहा देखने से ऐसा है, पर पता नहीं आगे देखते हैं किया किस तरह से। बिल्कुल ध्यान से समझ, किया वैसे ही है, या नंबर ऑफ शेयर्स लिया या मार्केट प्राइस लिया, तो यहाँ मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो आ गया। कितने का मार्केट वैल्यू है? 11,500। सर ये डिविडेंड निकाला है? यस। क्यों निकालना है पता नहीं, पर मैं समझाऊंगा बेटे। उसने निकाला है, सुनना ध्यान से, ये जो है ना मार्केट वैल्यू 257,400, इसका 19.5% डिविडेंड यील्ड, तो वो डिविडेंड यील्ड कभी भी मार्केट वैल्यू पर ही आएगा। तो इसने हर एक इन्वेस्टमेंट का, हर एक कंपनी का डिविडेंड का अमाउंट निकाल लिया है और वो ये लिख दिया है। हालांकि ये जो है इसकी जो जरूरत है, अगर मैं कहूँ बीटा पोर्टफोलियो निकालने के लिए, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या किया है? उसने वेटेड एवरेज बीटा निकालना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया दिस डिवाइड, वेट निकाला, वेट किससे? 257,400 डिवाइडेड बाई 11,500, तो इस तरह से उसने वेट निकाला और फिर बीटा लिख दिया और बीटा को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वैसे भी निकलता, ये टेबल, सर ये बीच की जरूरत है क्या? बीच की जरूरत नहीं थी हमें, डिविडेंड यील्ड की जरूरत नहीं थी, ओके। अब इस भाई साहब ने क्या किया बेटे, पी एम ए को ध्यान से देखो, उनका ये कहना सर इतना हम डिविडेंड कमाएंगे और इतना है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा? तो ये आ रहा है 0.2238, दैट इज 20.38%, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है? तो 22.38%, बात खत्म। अब बीटा पोर्टफोलियो कितना निकला? 1.46। अब सुनो, अब पता नहीं कि ये जो मांग रहा है उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से, उन्होंने किया क्या और वो क्या क्या समझाना चाहते कि सर ऐसा है कि 22.38% की कमाई हो रही है। अब 22 बेटे देखो, ये CAPM है और CAPM को का फॉर्मूला हमको मालूम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, या बीटा इधर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न की जगह ये लिख दिया 22.38 और 0.11, 0.19 और बीटा को मिसिंग लिखा। इट मीन्स वो ये बताना चाहता है कि अगर इतनी कमाई हो रही है 22.38% तो बीटा कितना होना चाहिए, और यहाँ कैलकुलेशन करके देखा और यहाँ बीटा निकाल कर देखा और बीटा कितना आ गया? 1.42। बिल्कुल ध्यान से मना, उनका कैलकुलेशन में समझाने की कोशिश करो।
एक ये बीटा है जो हमने निकाला 1.46, और इतना रिटर्न कमाने के लिए बीटा कितना होना चाहिए 1.42। ठीक है, सुना ध्यान से, ऐसे लिख देता हूं ताकि मैं 1.42। इट मींस वो ये कहना चाहते, कहना क्या चाहते सुना ध्यान से, कि सर आपके पोर्टफोलियो का बीटा है 1.46। एग्री? यस। जबकि आप जितना रिटर्न कमा रहे हैं उसके लिए इतना रिस्क मत लो भाई, 1.46 ज्यादा रिस्क हो गया। आप जो रिटर्न कमा रहे हो उसके लिए आपका बीटा होना चाहिए था 1.42, जबकि आपने जिस पोर्टफोलियो में लगाया पैसा और जितना कमाने वाले हो और इसके लिए कितना रिस्क लिया है 1.46। आपका जो पोर्टफोलियो वो ज्यादा रिस्की है सर, जबकि आपका रिस्क कितना होना चाहिए था 1.42। इट मींस बीटा के हिसाब से उसने कंपैरिजन करके बताया। सर अगर मैं होता तो मैं अल्फा निकालता। सर अल्फा मतलब, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, ये निकल गया कितना रिटर्न आ गया 22.38%। फिर मैं क्या करता, फिर मैं कहता कि अच्छा जी ये जो बीटा है इसके हिसाब से कितना रिटर्न है, तो मैं आरएफ लेता। आरएफ कितना है जी 11, बीटा कौन सा उठाते हैं 1.46, और आरएम माइनस आरएफ कितना 19 माइनस 11, 8, और फिर देखता कितना आ रहा है 1.46 × 8। ये आता मेरा रिटर्न 22.68%। और मैं क्या करता, मैं अल्फा निकालता। मैं कहता सर जितना बीटा है, बीटा कितना है 1.46, उसके लिए हमको कमाना है 22.68%, जबकि हम कितना कमा रहे हैं 22.38%। सर हमारी कमाई तो कम है। यस, इट मीन्स हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की है। फिर से अल्फा निकलता कि इतना कमाना चाहिए और इतना कमा रहे हैं, इट मीन्स हम इतने ही बीटा के लिए कम कमाई कर रहे। मैंने दो तरह तरफ से समझाया, पर सर पीएम ही फॉलो करना पड़ेगा। पीएम ने पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकाला, फिर सीएपीएम को इक्वेशन लेकर ये इसको रिटर्न माल की फिर बीटा निकाला, और फिर उनका ये कहना है कि जो बीटा है वो 1.42 है, ये 1.42 होना चाहिए, जबकि बीटा एक्चुअल में कितना है 1.46, ज़्यादा रिस्क है। दस द पोर्टफोलियो मार्जिनली रिस्की कंपेयर टू द मार्केट। स्पेशल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने बीटा के हिसाब से काम किया, हम अल्फा के हिसाब से भी काम कर सकते थे। पर सर इस लाइन से कहाँ पता लग रहा कि ऐसा करना पड़ेगा? हाँ बेटे, बस ये दिक्कत है, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड। रिस्क बोला तो मैं पोर्टफोलियो का बीटा ही निकालता रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। बस ये क्वेश्चन स्पेशल है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा, एक्स वाई जेड को क्या आपका अपना कंपोजिशन चेंज कर देना चाहिए पोर्टफोलियो का? इट मींस वो ये कहना, ये बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि सर आपने कितनी जगह पैसा लगाया, 4 जगह पैसा लगाया है, ओके, आप क्या किसी में कम ज्यादा करोगे कंपोजिशन? यस, देखना पड़ेगा, अल्फा निकालेंगे इस बार तो अल्फा, और उसने भी अल्फा ही किया। इट मींस बताओ कितना कमाई हो रही है 19.5, और हम इस बीटा को लेते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या हो रहा। मैं समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है, सीएपीएम यूज करेंगे और सीएपीएम का इक्वेशन हमको मालूम है। अब देखो इन्वेस्टमेंट आर एस, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, क्या किया उन्होंने 11 आर एफ RM माइनस RF, और बीटा कितना लिया 1.16, और बताओ कितना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, 20.28% रिटर्न मिलना चाहिए सर, जितना बीटा है उसके हिसाब से, जबकि रिटर्न कितना मिलने वाला 19.5%। क्या करें, मत रखो, आपको कम से कम इतना रिटर्न चाहिए 20%, और कितना मिलने वाला है 19.5, बेच दो, इससे बाहर निकलो, कोई मतलब का नहीं। सर दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट पे, यस ये फर्स्ट हो गया, दूसरे का भी इक्वेशन पुट किया, बीटा कितना रखा 2.28, और उसके हिसाब से रिटर्न कितना चाहिए मुझे 29% रिटर्न चाहिए, और रिटर्न कितना मिलने वाला 24, इसको भी बेचो, जितना चाहिए आपको अगर उतना नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे इन्वेस्टमेंट रख के। आगे चलते इन्वेस्टमेंट थर्ड,
कितना रिटर्न 18.2% हमको चाहिए सर इस इन्वेस्टमेंट से, और कितना मिलने वाला है 17%, इसको भी बेचो, ये भी नहीं चाहिए। लास्ट हमें रिटर्न कितना चाहिए, 23% चाहिए, कितना, ओ हो 26%, यस ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे अच्छा है, इन्वेस्टमेंट नंबर 4। इसलिए इन तीनों शेयर को बेच दीजिए और सारा की सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा, ये बात यहाँ लिखी है डिविडेंड यील्ड को कंपेयर, बाकी आप रीड कर लोगे, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टरिंग का क्वेश्चन है। फैक्टरिंग एक कॉन्सेप्ट ही है डिटेल में। और सर क्या ये क्वेश्चन आपका चैनल में डला हुआ है? यस। तो सर क्या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करोगे? बिल्कुल। तो आप डिस्क्रिप्शन जाओ, चेक कर लो, एक क्वेश्चन ने मेरा पूरा चैप्टर ही डला हुआ है, ज़्यादा टाइम का है भी नहीं चैप्टर, 2-3 घंटे का है। वो क्वेश्चन कहाँ है वो भी मैं आपको दे दूंगा कि किस पॉइंट पर वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, किस टाइम पर वो क्वेश्चन मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ओके जी सर। तो इस क्वेश्चन पर बेकार में टाइम क्यों खराब करें जबकि ऑलरेडी रिकॉर्ड है। अब आते हैं सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलना है। देखा ऑरेंज परचेस, कितना यूनिट परचेस किया 200। म्यूचुअल फंड कितने के हिसाब से, 45 के हिसाब से, मीन्स आपने 45 रुपया लगाया यूनिट खरीदने में। और 31 दिसंबर 2009, 2010 में 1 रुपया डिविडेंड के रूप में मिला और 1 रुपया कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब टोटल 2। आपको निकालना है रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर का रिटर्न निकालना है। अगर 31 दिसंबर को 48 हो जाता है तो रिटर्न निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, यूनिट का प्राइस कितना हो गया 48, पहले कितना था 45, 3 रुपये की ये कमाई है, प्लस डिविडेंड इनकम कितनी है 1, प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 2, और शुरू में कितना पैसा लगाया था 45, और इनटू क्या कर दोगे 100। तो इसमें कोई शक ही नहीं आंसर कितना आ जाएगा 13.33%, ये 6 रुपये हो गया डिवाइडेड बाय 45। सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन, इसको ना भी देखोगे चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला वो बोल रहा है व्हेन ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर रीइन्वेस्टेड इनटू एडिशनल यूनिट्स ऑफ द फंड एट द रेट 46 पर यूनिट, एनएवी निकालना है। अब वो बोल रहा है आपको निकालना है आप क्या कर रहे हो, आप रीइन्वेस्ट कर रहे। अच्छा, इट मीन्स ये हुआ बेटे, समझा रहा, आपने यहां यूनिट्स तो खरीदा 200, जब रेट कितना था 45, बीच में आपने को डिविडेंड वगैरह मिला होगा, आपने उसको और इन्वेस्ट कर दिया, यूनिट और खरीद लिया, कितने के हिसाब से 46, तो क्या यहां यूनिट्स बढ़ेगा, यस, और फिर यहां बेच दिया, कितने के हिसाब से 48, ठीक है बेच दिया, यहां हो गए, कुछ नहीं करना, देख लेते हैं। तो भाई आपको 1 रुपये तो डिविडेंड का मिला और 2 रुपये किस चीज़ का मिला, 2 रुपये नहीं मिला कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल में कितना मिला 3 रुपये। आपके पास यूनिट्स ऑलरेडी कितना है 200 × 3 कितना 600 रुपये मिला, और 600 रुपये किससे, आपने 46 के हिसाब से यूनिट्स खरीद लिया, इतना यूनिट्स आ गया। तो अब आपके पास 200 यूनिट तो पहले से था, इतना यूनिट्स और आ गया तो 213 यूनिट्स हो गया, और जो 213 यूनिट्स है उसको आपने किसके हिसाब से बेच दिया 48 के हिसाब से बेच दिया, इतना पैसा आया, बेचा या हेल्ड किया, इतना है आपका यूनिट्स का वैल्यू। और जब खरीदा था तब कितना था, तब था 200 × 9000 था, तो आपकी कमाई कितने की हो रही है 1225 रुपये की, तो उस हिसाब से आपका रिटर्न कितना है 13.62%। म्यूचुअल फंड का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन चले, यस क्वेश्चन नंबर 13, ये भी म्यूचुअल फंड का है। और सर सीधा सीधा क्या निकालना है तो देखा जाए, तो मैं पहले यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर समझ में आ रही है। आपको निकालना एनुअल रेट ऑफ अर्निंग, तो सीधा देख लेते कितना पैसा लगा, क्या हुआ, एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे, एक तो ये निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको एनएवी निकालना है, एनएवी 38 अप्रैल का एनएवी निकालना है। एनएवी निकालने के लिए एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कैश बैलेंस की जनरली जरूरत पड़ती है, मैं फटाफट से काम कर रहा हूँ।
1 अप्रैल 2012 को एबीसी म्यूचुअल फंड ने इश्यू किया था कितना यूनिट्स, 20 लाख 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना पैसा आ गया था, 200 लाख। और खर्च भी तो हुए कितने, 12 लाख, 12 लाख रुपए का खर्च हुआ तो माइनस कर दो। और इसके अलावा आपने ड्यूरिंग कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा, पोर्टफोलियो में पैसा लगाया था 185 लाख, तो 200 लाख था, 185 लाख का, 185 लाख का आपने पोर्टफोलियो मेंटेन किया और 12 लाख का आपका खर्चा है, तो आपके पास कैश कितना बचा था, 3 लाख, 3 लाख कैश बचा। अब क्या हो रहा सर, अब ये देखो कि पैसा कितना आया कितना गया। एक्चुअली मुझे क्लोजिंग कैश निकालना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 आपने डिस्पोज कर दिया कुछ इन्वेस्टमेंट जिसका कॉस्ट कितना था, 60 लाख, उसको कितने में बेचा, 63 लाख, कितने का फायदा है, 3 लाख, पर पैसा कितना आया, 63 लाख, तो 63 लाख यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा आपने परचेज भी किया है सिक्योरिटी को, मतलब पैसा गया 56 लाख, यहां 56 लाख आ गए। इसके अलावा आप को फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ कितना है, 8 लाख के खर्चे, लेकिन 10% अभी एरियर है, मतलब 7,20,000 का पेमेंट हो रहा है, 7,20,000 पैसा गया। और इसके अलावा डिविडेंड की कमाई हुई कितने की, 2 लाख की, डिविडेंड की कमाई कितने की हुई, 2 लाख, तो 2 लाख प्लस पैसा आया, पर उसमें से आपने 80% बांट दिया, तो 2,80,000 कितना होता है, 1,60,000, ये 1,60,000 किधर गया भाई, नहीं, इन अप्रैल 2012 द फंड अर्न डिविडेंड 2 लाख की कमाई एंड इट डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग। सर रियलाइज्ड अर्निंग क्या होता है समझना, एक बात बताओ, 63 लाख और 60 लाख, 63 लाख, बताओ कैपिटल गेन कितना हुआ था, सर कैपिटल गेन हुआ था 3 लाख, वो कमाई हुई ना 3 लाख, और 3 लाख का 80% डिस्ट्रीब्यूट करना है जितनी भी अर्निंग होगी। अच्छा ये अर्निंग थी, दूसरा अर्निंग थी डिविडेंड की 2 लाख, तो 2 लाख का 80% कितना होगा, 1,60,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से पैसा आया, ओपनिंग मिलाकर 68, पैसा गया, तो क्लोजिंग कैश कितना आ गया, 0.8। और इसके अलावा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, 198 तो है, तो 198, तो ये आ गया क्लोजिंग। क्या कोई लायबिलिटी बाकी है, यस, 80 लाख था, 8 लाख था, 8 लाख में से 10% एरियर था, तो ये देना बाकी है, माइनस कर दिया, तो ये आ गया नेट एसेट वैल्यू। और नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 20, तो ये आ गया एनएवी, क्लोजिंग एनएवी, सिंपल। दूसरा एनुअल रिटर्न, अगर मैं यूनिट होल्डर हूँ तो मेरा एनुअल रिटर्न कितना है, तो बोलो एनएवी शुरू में कितना है, लास्ट में 9.90, शुरू में कितना था, 10 प्लस कितने की कमाई हो रही है, एक तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन की कमाई और ये, तो दोनों मिलाकर देख लेते कितना हो रहा है, 2.4 प्लस 1.6 4, पर ये 20 लाख यूनिट पे है तो 4 / 20, तो ये 0.20 की कमाई है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 10 परसेंटेज निकाल लो, 9.9 माइनस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9.9 माइनस 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 10, 1% की कमाई हो रही है पर मंथ, याद रखना ये मंथ का है, 30 अप्रैल को क्लोज हो रहा है, तो 12 महीने का कितना जाएगा, 12% पर एनम की कमाई, ठीक है, ये उसने निकाला होगा, बस प्रेजेंटेशन अलग टाइप से, आंसर वही आएगा, 12% की कमाई हो रही पर एनम, ठीक है सर, इस क्वेश्चन में कुछ बात थी नहीं, अगले क्वेश्चन पे चले, यस, ये आ गए हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का GDR वाला क्वेश्चन है। हाँ जी देख लेते इसको, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, उड़ीसा लिमिटेड हैज प्रपोज टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन, कितना फंड चाहिए भाई, 15 लाख फंड चाहिए, 15 लाख, $15 मिलियन, $15 मिलियन नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस,
इसका मतलब है कि सर ऐसा है कि हमको, हम 15 मिलियन का इश्यू नहीं करना, हमें 15 मिलियन चाहिए चाहिए खर्चे काटने के बाद। और खर्चे कितने लगेंगे? बोले 2% ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस। अब इश्यू कितने का करना है? 15 मिलियन से ज़्यादा, और जितने का इश्यू कर रहा है उसका 2% खर्चा आएगा। तो वो जो 15 मिलियन है वो कितना होगा? वो तो 98% होगा, कॉमन सेंस है यार। इतना मैथ तो हमने सीबीटी में, सीए फाउंडेशन में किया। तो भाई कितने का इश्यू चाहिए? कितना? 15 मिलियन। 15 मिलियन डिवाइड, तो इतना हमारा इश्यू प्राइस आ गया, हमको इतना का इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है? यस। अब क्या बोल रहा? इट प्रपोजेज द रेज फंड थ्रू जीडीआर। इस बार हम जीडीआर के थ्रू, जीडीआर रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू इश्यू करेंगे। मतलब फंड रेस इंडिया में नहीं कर रहा है, विदेश में कर रहा है, फॉरेन में कर रहा है। डॉलर में पैसा आएगा, यस, हमें 15 मिलियन में डॉलर में पैसा आएगा। देखते कि जीडीआर कितने का है। सर जीडीआर होता क्या है? ये तो मैं एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाऊंगा भाई, रिविजन टेस्ट पेपर। बोले शेयर का प्राइस कितना है? बोले 300 रुपये। शेयर का प्राइस है 300 रुपये डोमेस्टिक, अगर मैं इंडिया में बेचूं तो। पर बाहर बेचूंगा तो एक शेयर नहीं, एक जीडीआर, और एक जीडीआर में कितना शेयर होता है? 3 शेयर्स होता है। एक शेयर का प्राइस कितना है? 300। तो एक जीडीआर का कीमत निकल सकता है 300 × 3, 900। पर एक बात बताऊं, जो शेयर्स है वो 10% डिस्काउंट पर इश्यू हो रहा है। ओहो, तो इश्यू प्राइस 90%, तो 810 रुपये में इश्यू होगा। 810 रुपये में इश्यू होगा, 300 × 3 × 90%, 810 रुपये में इश्यू होगा। और सर डॉलर में बताओ, रुपया नहीं, डॉलर, 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 डॉलर। एक डॉलर इज इक्वल टू कितना रुपये? बोले एक डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपये। तो एक जीडीआर 13.50 डॉलर में इश्यू होगा। इश्यू प्राइस निकल रहा, इश्यू प्राइस 13.50। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर। ओहो, ये तो बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ जीडीआर टू इश्यू एंड कॉस्ट ऑफ जीडीआर, कॉस्ट ऑफ जीडीआर, जीडीआर मतलब शेयर्स की बात कर लो, तो जीडीआर को और क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा सर, ये यही है क्या? यस, के ई का फॉर्मूला क्या था? D1 / P0 + G। तो नंबर ऑफ जीडीआर तो निकाल ही सकते हैं। देखते हैं इश्यू प्राइस कितना, 810। पर नेट पूरा 810 थोड़ी नहीं मिलेगा, 2% कट के मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा? 793.80 नेट की बात कर लेता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ जीडीआर निकालोगे तो 15.306 डिवाइडेड बाय, एक जीडीआर का इश्यू प्राइस कितना? 13.5। सर इश्यू प्राइस से क्यों डिवाइड कर रहे हो? नेट से डिवाइड करो ना, फ्लोटेशन कॉस्ट कॉस्ट के। नहीं बेटे, यहाँ ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया ये इश्यू प्राइस है, तो डिवाइड किससे कर दो? आप इश्यू प्राइस से कर दो। तो ये आ गया, आपको इतने जीडीआर इश्यू करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ जीडीआर कैसे? दिस, इतना डिविडेंड देना। डिविडेंड सुनो, डिविडेंड के लिए बोला एक जीडीआर पे कितना, अच्छे से देखना, 20% एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और 20% ग्रोथ रेट। सर 20% किसका? अब दिक्कत है मार्केट प्राइस का कि फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू का। तो 20% क्या माने फेस वैल्यू? क्वेश्चन में एज्यूम किया है 10 रुपये, तो 10 रुपये का 20% कितना होता है? 2 रुपये। और एक जीडीआर में कितने शेयर? 3, तो 2 × 3 कितना का? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसिट प्लस ग्रोथ रेट, तो ये आ गया 20.76%। आपको इतने जीडीआर इश्यू करना पड़ेगा, एक एक जीडीआर पे आपको इतना पैसा आएगा, इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो, सुनो सुनो बेटे, यहाँ मैंने क्यों लिया और यहाँ नेट क्यों ले रहा हूँ, मेरी बात समझना। इतना जीडीआर इश्यू करोगे, इतना एक जीडीआर पे इश्यू प्राइस हमारा ये है, इतना पैसा आएगा, ओके, तो टोटल इतना आ जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कटेगा भी, डिस्काउंट वगैरह कटेगा, तो नेट तो आपका 15 मिलियन ही तो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, इतने जीडीआर इश्यू करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो मुझे क्या देना पड़ा? 6 रुपया डिविडेंड। बदले में मेरे पास कितना आ रहा? 810 रुपये थोड़ी ना आ रहा है सर, बदले में तो 793.8 आ रहा है। तो बस वो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था आपका जीडीआर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉरेक्स का। फॉरेक्स देखते हैं क्या यू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक आर इन्फॉर्म दैट
योर बैंक हैज सोल्ड टीटी ऑन कॉपनहेगन फॉर डीके 10 लाख एट द रेट ऑफ डीके वन इज इक्वल टू रुपीज 6.5150. You are informed to cover the transaction either in London or New York. The rates on under ये दे रखा है सर जी. ऐसा है कि होता क्या है, कवर डील का क्वेश्चन है. क्लाइंट आया मेरे पास, मैं बैंक. ओके सर, मेरे पास क्लाइंट आया, बोलता मुझे डीके चाहिए क्रोन. तो सर डीके चाहिए इसका मतलब ऐसा है कि आज ही डिलीवरी नहीं देते हैं, हमें 2 दिन बाद डिलीवरी देना सामने वाले को, अभी नहीं देना, इमीडिएट डिलीवरी नहीं होती, 2 दिन का टाइम होता है. तो भाई आपको कहीं ना कहीं तो कवर करना पड़ेगा. यस आप ऐसा थोड़ी ना कि हर करेंसी आपके पास अवेलेबल है, आप डीके बेच रहे हो कस्टमर को, पर कहीं ना कहीं से खरीद कर ही तो बेचोगे. यस, और खरीदने के लिए मीन्स जो आप डील किए हो उसको कवर कहीं से तो करना पड़ेगा. और कवर करने के लिए सुनो, बोले आप चाहो तो डीके खरीद सकते हो दो मार्केट से, एक कौन सा मार्केट हो गया लंदन और एक कौन सा होता है न्यूयॉर्क. लंदन मार्केट देखो, लंदन में पाउंड चलता है, तो ये है एक लंदन और ये न्यूयॉर्क है और ये लंदन, अलग अलग रेट है. लंदन लंदन हो गया, इट मीन्स ये हो गया आपका लंदन मार्केट और ये हो गया आपका लंदन मार्केट. अच्छा सर, और ये हो गया, दो रेट दिया, ये रेट कौन सा हो गया आपका न्यूयॉर्क मार्केट और एक ये हो गया आपका न्यूयॉर्क मार्केट. ठीक है, यस. अब बिल्कुल ध्यान से समझना, हमने, मैं बैंक, मैंने क्लाइंट को क्या बेच चुका हूँ, अपने कस्टमर्स को क्या बेच चुका हूँ, डीके बेच चुका हूँ. कितने में बेच चुका हूँ? 6.5150. तो भैया डीके खरीदना तो पड़ेगा सर. यस, तो डीके, अब सुनना बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मेरे पास क्या रखा, मैं बैंक, मैं इंडिया का हूँ, मेरे पास तो रुपया है. तो रुपया लेकर बेटे आराम से सोचना, स्टोरी टाइप का बना, रुपया लेके कहाँ जाओगे? सबसे पहले मुंबई, और वहां से क्या खरीदना, लंदन मार्केट से कवर करना, वहां से पहले पाउंड खरीद लीजिए. और पाउंड लेकर कहाँ जाइए, यूके, वहां पाउंड दीजिए और वहां से डीके खरीद लो, क्योंकि डायरेक्ट कोट अवेलेबल नहीं है. तैयार हो? यस, बस रेट इंपॉर्टेंट. आपके पास क्या है? रुपया. रुपया लेके कहाँ पहुंच गए आप? मुंबई. मुंबई पहुंचे बैंक, और बैंक को रुपया दिया, और बैंक आपको क्या बेचेगा? पाउंड बेचेगा. किस रेट पे पाउंड बेचेगा? सर बेचेगा तो महंगे में, पाउंड का ही रेट दिया है. यस, एक तो रेट ये वाला है डीके खरीदने के लिए. पाउंड मिल गया आपके? यस. कितने में मिला? 74.3200 पाउंड मिला. पाउंड लेकर कहाँ पहुँचे? लंदन, यहाँ. और किसका रेट दिया है? पाउंड का. तो वो लंदन बैंक क्या करेगा, आपसे पाउंड खरीदेगा और बदले में आपको डीके देगा. मतलब पाउंड खरीदेगा तो क्या सस्ते में खरीदेगा? यस, इट मींस आपको एक डीके कितने में पड़ेगा अगर आप लंदन मार्केट से कवर करते हो? 74.3200 डिवाइड ही होना है. सर डिवाइड क्यों होना है बेटे, ये टाइम पास नहीं करो, इतना तो आपको क्रॉस, मेरी फॉरेक्स की क्लास किया होगा ना, तो इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा. डिवाइड 74.32 डिवाइडेड बाय 11.42, तो आपको डीके पड़ेगा 6.50788. अगर आप कहां से कवर करो, अगर आप करते हो लंदन से कवर, लंदन. ठीक है, ओके सर. अगर हम लोग न्यूयॉर्क से कवर करते तो फिर चलते, पहले रुपया लेके डॉलर खरीदिए, यह है न्यूयॉर्क. तो सर डॉलर इतने में मिलेगा? यस, ये डॉलर. और फिर न्यूयॉर्क जाके डॉलर दे देंगे और डीके खरीद लेंगे. तो हमको अगर हम न्यूयॉर्क मार्केट से कवर करते हैं, न्यूयॉर्क से, तो कितने का पड़ेगा? 49.2625 डिवाइडेड बाय 7.5670. देखते हैं, 49.2625 डिवाइडेड बाय 7.5670, तो फिर हमको पड़ेगा ये रुपीज 6.51017. तो बताइए सर कि हमको
कहाँ से कवर करना चाहिए, अगर डील की बात करो तो हमें कहाँ से कवर करना चाहिए, हमको यहाँ से कवर करना चाहिए कि हमको यहाँ से कवर जहाँ से सस्ता मिल रहा है। हाँ बच्चे, तो है क्या, अब कहाँ से कवर करें? सर जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ हमको यहाँ भी फायदा है, ओके, पर यहाँ ज़्यादा फायदा। देख लेते, लंदन से कवर करोगे तो आपको कितने का पड़ेगा, 6.5 इंटू 10 लाख कर देना, तो ये आ गया। इट मीन्स इतने में बेच रहे हो, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, इतने में खरीद रहे हो 6.50788 इंटू 10 लाख, तो प्रॉफिट कितने का, 71। अगर आप न्यूयॉर्क मार्केट से कवर करते हो तो चेक कर लेते, वही सब कुछ कहानी है, रेट कितना पड़ रहा है, 6.51017, ये आ गया, और यहाँ फ़ायदा कितने का, 4824। तो सर यहाँ से ज़्यादा फायदा है, तो कहाँ से कवर करना चाहिए आपको, आपको लंदन मार्केट से कवर कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी फॉरेक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जरा देखते हैं, एन इम्पोर्टर कस्टमर, इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक विशेष टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ योर बैंक ऑन 3rd September फॉर सेल टू हिम सिंगापुर डॉलर 5 लाख टू बी डिलीवर्ड ऑन 30 अक्टूबर। आ कब रहे हो सर, 3 सेप्टेम्बर, मतलब सेप्टेम्बर पूरा, उसके बाद अक्टूबर, मतलब 2 महीने बाद हमें चाहिए। क्या चाहिए, सिंगापुर डॉलर, ठीक है, स्पॉट रेट, यहाँ एक्चुअली प्रिंट नहीं है, ये ऐसा है डॉलर, अब सुनो ऐसा लिखा है USD पर रुपीज़, ऐसा पढ़ रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, आपको भी मालूम है कि $1 इज इक्वल टू इतना रुपया ही तो होता होगा। ओके, इट मीन्स बेटे बात समझने की कोशिश करना, ये है बैंक, ये आपका कस्टमर, और आपको इंपोर्ट किया है तो आपको पहुंचाना है, तो आप खरीद कर ही तो पहुंचाओगे, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिंगापुर डॉलर, कितना डॉलर चाहिए, सिंगापुर डॉलर 5 लाख, मतलब बैंक बेचने वाला है डॉलर। रेट कौन कौन से दिया है, एक तो ये रेट दिया, इसको अच्छे से लिखो तो ये रेट दिया है, $1 = रुपीस 49.3700 और 3800, यही मतलब है इसका। और सर इसका मतलब क्या है, $1 = Singapore dollar 1.7058 और क्या लिखा है 68, ठीक है। और ये जो है ये रखा डॉलर, मतलब $1 = कितना रुपीज, सेप्टेम्बर अक्टूबर, मेरे लिए काम का अक्टूबर वाला, यहाँ वाला काम का है 2 मंथ वाला, 3 मंथ वाला वगैरह, ये कोई काम का नहीं, बस मेरे लिए ये 2 चीज़ें काम की, एक ये और एक ये। कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड टू द इम्पोर्टर बाय एज्यूमिंग एक्सचेंज मार्जिन, कितना है पैसा, 5 पैसा। अब सोचो कस्टमर होता तो क्या करता, कस्टमर को सिंगापुर डॉलर चाहिए तो पहले वो डॉलर खरीदता और फिर उस डॉलर से सिंगापुर डॉलर खरीदता, रुपया देता डॉलर खरीदता। सर इसका मतलब बैंक डॉलर बेचेगा, यस, बैंक ने डॉलर बेचा, बेचा तो क्या आना चाहिए, बेचा तो आना चाहिए रेट कौन सा आना चाहिए ये बताओ, सर आस्क रेट आना चाहिए 3800, तो यहाँ ले लिया 49.3800। अच्छा ये तो स्पॉट है, तो इसमें स्वैप पॉइंट्स ऐड करना पड़ेगा, 1100 1300 दिया है तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो प्लस हो जाएगा, ये स्वैप पॉइंट प्लस हो गया, तो ये आ गया 49.5100। अब ये इंटरबैंक रेट है, बोला भी है क्वेश्चन में कि मार्जिन है 5 पैसा, बेचते समय मार्जिन प्लस होता है, खरीदते समय माइनस होता है, तो ये 5 पैसा भी ऐड कर दिया, पैसा लिखा, पैसा पैसा, तो ये आ गया 49.5600। इट मीन्स हमको जो डॉलर मिलेगा वो किस रेट पे मिलेगा, 49.5600। अब हमने डॉलर खरीद लिया, अब हम बैंक के पास दे जाएंगे, बैंक को डॉलर दे देंगे और बदले में क्या ले लेंगे, सिंगापुर डॉलर, तो बैंक डॉलर खरीदेगा, मतलब हमें जो रेट लेना है वो लेना है ये वाला 1.7058,
तो 1.7058 मार्जिन देख लो बेटे 96.97 है, 96.97 तो 96.97 है, तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया। सर इसमें मार्जिन क्यों ऐड नहीं कर रहे हो, सॉरी माइनस क्यों नहीं कर रहे हो बेटे, पैसा में लिखा हुआ है पैसा, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये रुपीस के लिए दिया है, ये ऑलरेडी आपका कस्टमर्स रेट है ये मान के चल रहा है, ठीक है ओके। तो अब हमको दो रेट पता हो गए, कौन कौन से रेट पता हो गए, एक तो ये हो गया मतलब डॉलर वन जो हमारे काम का है रुपीस 49.3800, और एक रेट कौन सा पता हो गया डॉलर वन इज इक्वल टू सिंगापुर डॉलर 1.7154, क्रॉस रेट कर लो, हमें क्या चाहिए रुपीस पर सिंगापुर डॉलर, क्रॉस रेट तो आता ही आता है, तो 49 डिवाइडेड बाय दिस तो आंसर कितना आएगा 28.8912, हमें 2 महीने बाद मिल जाएगा सिंगापुर डॉलर इतने रुपए के हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 17 क्या यहां मैं करवाने वाला हूं, नहीं, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है, कहां कवर है, ये कवर है आरटीपी न्यू सिलेबस वाला जहां मैं आपको करवा चुका सर। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी क्वेश्चन कवर है, कहां कवर है आरटीपी न्यू सिलेबस जो कि मैं आपको पहले ही करवा चुका, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सर खत्म करें, कहां से उठाया गया, दिस इज सिक्योरिटी एनालिसिस उठाया गया। आप बिजनेस का वैल्यूएशन करते हो तो बोले अ वैल्यूएशन डन ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी बाय वेल नोन एनालिस्ट हैज एस्टिमेट, वैल्यू कितना निकाला 500 लाख रुपए निकाल लिया, बोले वैल्यू ऑफ बिजनेस इन्होंने निकाल लिया, और किस बेसिस पे निकाला, फ्री कैश फ्लो नेक्स्ट ईयर का कितना है 20 लाख और ग्रोथ रेट कितना है 5%, बहुत अच्छी बात है। इट मींस उसने 500 लाख ऐसे निकाला होगा, 500 लाख निकला, फ्री कैश फ्लो कितना है 20 लाख डिवाइडेड बाय KO माइनस G करके निकाल लिया होगा 500 लाख, बहुत अच्छा किया। पर बोले जब उसने वैल्यूएशन किया तो उनको पता लगा यार कुछ गलती हो गई, और गलती क्या हो गई, यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ डेट इन इक्विटी इन कैलकुलेशन, इट मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, दो अप्रोच से निकालते हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, आईपीसीसी में सी एंडर में पढ़ा होगा, जो एग्जैक्टली आंसर आता वो किससे आता, मार्केट वैल्यू वेट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, उससे कैलकुलेशन करेक्शन ज़्यादा होता, बिल्कुल सही। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट वैल्यू को वेट लेना था, पर किसको वेट ले लिया, बुक वैल्यू को वेट ले लिया। अच्छा, और बुक वैल्यू व्हाइल डू यू डू नॉट नो द बुक वैल्यू वेट ही यूज्ड, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको क्या दिया है के ई दिया है, आपको क्या दिया है के डी भी दिया है, और बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 times द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी व्हाइल द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, आपको क्या करना है करंट वैल्यू, मेरी बात समझना, हमको ये मालूम है, हाँ जी हमको ये मालूम है, यस हमको क्या ग्रोथ रेट भी मालूम है, यस, तो क्या हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो, यस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल सकता है जब ये पता ये पता है, पर ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल देगा वो कौन सी वैल्यू से निकलेगा, बुक वैल्यू से निकलेगा जो कि निकल गया, इसी को पुट किया तो आंसर कितना आया चेक कर लो, और आंसर आया है 9%, ठीक ओके सर, 9% कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको सबसे पहले क्या निकाला आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है सर, जो कि कितना आया 9%, अब चेक करना पड़ेगा वेट, अब वेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता, के ओ इज इक्वल टू के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस इक्वेशन से निकाला तो कितना आ गया 9%, तो यहाँ लिख दूँ मैं 0.09, के ई कितना, या 9 भी लिख सकता हूँ, 9 ही लिख देता हूँ, 9 के ई कितना है 12 इंटू वेट ऑफ ई प्लस के डी कितना है 6 इंटू 1 माइनस वेट ऑफ ई, तो क्या वेट ऑफ ई निकल सकता है, यस, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे सी ए फाइनल में तो ये तो सॉल्व कर सकते हो 50%, और वेट ऑफ डी कितना जाएगा 50%,
ये कौन सा वेट आ गया, बुक वैल्यू, पर वो बोल रहा है जो मार्केट वैल्यू वेट है वो 3 गुना ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो इसका 3 गुना ज़्यादा, इसको कितना ले लेना 150 और इसको कितना ले लेना 50। अब क्या क्यों निकाल सकते हो, यस, किसके हिसाब से मार्केट वैल्यू कैसे निकालो कि 12 × 150 प्लस 6 × 50 डिवाइड किससे करोगे 200, सीधी सीधी बात है, तो आंसर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10.5%। ये क्या था KO, किसके हिसाब से मार्केट वैल्यू वेट, और फिर 20 लाख डिवाइडेड बाय KO माइनस जी, तो करेक्ट वैल्यू आ गई 363.64 लाख। सिंपल क्वेश्चन था, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, RTP में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकता, हालांकि मेरा जो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि सर कॉन्सेप्ट कीजिए, क्वेश्चन तो वैसे ही बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए, पर यहाँ मेरी मजबूरी थी, बच्चों का फ़ोन आ रहा था, सर RTP चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता था, तो सिर्फ क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।